तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ कमाल की बातों पर नजर डालने वाले हैं जो मुझे नहीं पता आपके दिल के तारों में एक तरंग छेड़ेगी या बिजली के तारों जैसा करंट छोड़ेगी, क्योंकि जिस घड़ी का लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्योंकि कोहली के अचानक से कप्तानी छोड़ने के बाद दुनिया भर में सोशल मीडिया पे शेम ऑन बीसीसीआई जैसे हैशटैग चल रहे थे। उसके बाद से सभी को इंतजार था कि किसी बीसीसीआई ऑफिशियल की इस पे कोई टिप्पणी आए, तो किसी बीसीसीआई के ऑफिशियल का क्या, बल्कि खुद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने इस पे एक लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोहली का टेस्ट से कप्तानी छोड़ना उनका एक निजी फैसला था जिसका हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, और हम कोहली के बिना भारतीय टीम को किसी भी फॉर्मेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्होंने बीसीसीआई पे लगाए जा रहे इल्जामों को मात्र 4 शब्द बोल के नकार दिया कि नो इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने यहां तक की कह दिया कि कोहली उस दर्जे के प्लेयर है जिनके लिए बीसीसीआई जान तक न्योछावर कर सकता है। अब इसके बाद से फिर से सोशल मीडिया 2 गुटों में बट गया है, क्योंकि कोई कह रहा है कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, तो कोई गांगुली के इस स्टेटमेंट का पूर्ण रूप से सम्मान कर रहा है। क्योंकि सौरव गांगुली की इंटीग्रिटी पे सवाल करना मुझे भी बहुत हद तक सही नहीं लगता। आखिर भारतीय टीम आज जहां है उसमें धोनी कोहली जैसे लेजेंड्स के साथ साथ सौरव गांगुली का भी उतना ही बड़ा हाथ है, और मुझे नहीं लगता वो कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे जिससे भारतीय क्रिकेट के दामन में किसी भी प्रकार का दाग लगे। बाकी आप लोग की इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताने में बिल्कुल भी ना हिचकिएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, पर थोड़ा सा शब्दों की गरिमा प्लीज। इसके अलावा दिनेश कार्तिक के मुख से भी कल हमें बड़ी ही शीतल वाणी के दर्शन हुए। जी हाँ, वही दिनेश कार्तिक जिन्होंने निधास ट्रॉफी में बांग्लादेश को श्रीलंका बना दिया था, बांग्लादेश की लंका लगा दी थी। देखा, वर्ड प्ले मेरा, मतलब नेचुरल टैलेंट। सॉरी, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो दिनेश कार्तिक ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में इंडियन बॉलिंग में रहे उतार चढ़ाव पे बयान देते हुए बड़ी ही कमाल की बात कही कि हम ये तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि 2019 के बाद से चहल और कुलदीप और बाकी बॉलर वनडे T20 में उतने इफेक्टिव नहीं रह पाए हैं जितने थे, पर हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि क्या इस उतार चढ़ाव का कारण धोनी का विकेट के पीछे ना होना है, क्योंकि हमने देखा है कि MS धोनी के विकेट के पीछे से इनपुट्स किस तरीके से भारतीय स्पिनरों को विकेट लेने में हेल्प करते थे। क्योंकि एक बॉलर को, खासकर स्पिनर को, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कीपर का चाहिए होता है, क्योंकि आखिर वही होता है जो बैट्समैन की कमी को रीड कर बॉलर्स को इनपुट दे सकता है। जाहिर सी बात है धोनी के पास वो अनुभव था जो उन्हें इतना काबिल बनाता था, पर अगर इस बात की डेप्थ को देखें तो कार्तिक की बात 100 आने सच भी है, क्योंकि तब से ही ऐसा देखने को मिला है कि कुलदीप यादव किस तरीके से इनफेक्टिव हो गए थे। पर दुख की बात यह है कि इस समस्या का तो कोई समाधान भी नहीं है, क्योंकि धोनी भाई तो अब आने वाले हैं नहीं। पर पूरी उम्मीद है कि पंत समय के साथ होपफुली कुछ वैसे इनपुट्स दे के अपने बॉलर्स को मदद करने में सफल रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ उनका गेमिंग सेंस हमें थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भाई एक तो पता नहीं ये साउथ अफ्रीका की तो किस्मत ही मुझे लग रहा इस समय एकदम 7वें आसमान पे है कि अगर वो सोनम कपूर और अर्जुन कपूर को लेके भी मूवी बना देंगे तो ब्लॉकबस्टर हो जाए। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है हमारे देश के कुछ महान क्रिकेटर लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने जलवे बिखेर रहे हैं, पर वहां भी साउथ अफ्रीका की 7.5 हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि जहां इंडियन महाराजास ने नमन ओझा के 140 रन की मदद से वर्ल्ड जायंट्स के सामने 209 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और बदले में उनके 130 रन पे 4 विकेट आउट भी कर दिए थे, पर आखिर में एक बंदा आके नॉट आउट 19 बॉलों पे 52 रन जड़ मैच जिता दिया, और पता है वो बंदा कौन था? इमरान ताहिर। 5 छक्के मार दिए लॉन्डे ने, जिसने अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में सारे फॉर्मेट मिला के 3 छक्के लगाए हैं। साला मैं इमेजिन तक नहीं कर पा रहा हूँ ताहिर को छक्के मारते हुए। मतलब ये साउथ अफ्रीका ना, अगर डिविलियर्स मुझे पसंद ना होता तो इतने मधुर शब्द आ रहे हैं मेरे मन में कि यूट्यूब ये वीडियो 18+ रिस्ट्रिक्ट कर देता। पर कोई नहीं, इमरान ताहिर भी बढ़िया बंदा है। मेरे को तो उसका विकेट लेने के पास सेलिब्रेशन मस्त लगता था कि लिया विकेट और फिर पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की चमन में। इस समय तो बस एक ही दिल करता है कि मस्त धोनी भाई के फार्म हाउस में चला जाऊं, खुले आसमान के तले वहीं उनके बाग में बैठ के फल तोड़ के खाऊं। वो अलग बात है अगर उन्होंने अपने 2 बड़े बड़े कुत्ते मेरे पीछे लगा दिए तो मेरा हाल तो हंगामा के राजपाल यादव जैसा हो जाएगा ना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अभी तक अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो आ जाओ कर लो यार, बोला हुआ है हर मैसेज का जवाब मिलेगा, ना मिले तो आना कमेंट बॉक्स में आके गरिया देना, फुल फ्रीडम।
क्योंकि अपना तो एक ही एम है कि सब्सक्राइबर्स व्यूज तो आते रहेंगे, पर ऐसा पहला यूट्यूबर बनना है जिसने आज तक इंस्टाग्राम पे हर मैसेज का जवाब दिया है। तो वेट मत करो, फॉलो करो जोशी तो बोलेगा पे और भेजो मैसेज, अच्छा बुरा जो दिल करे, अपन बेशरम है भाई, गाली दोगे तब भी जवाब देंगे, पर देना नहीं यार। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लो, आते हो वीडियो देखते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें वीडियो डाल दिए भाई ने तुम्हारे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।